हमेशा जो रहे हाजिर, खुदा की कसम हाजिर हैं। ना आए चोट धरती को, हमारे जिस्म हाजिर हैं। पाकिस्तान हमारी जान, माल और हर रिश्ते से ज्यादा अजीज है। वतन के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियां पाकिस्तानियों के लहू में विरासत में मिलती हैं। कैप्टन सरवर से लेकर मेजर उस्मान तक, सवार मोहम्मद हुसैन से लेकर सिपाही जमील तक, ये सारे एक ही मां के बेटे हैं। इनकी तरबियत की बुनियाद ही ऐसी है कि जान रहे न रहे, सरजमीने पाकिस्तान सलामत रहे। सलाम उन माओं पर जिनकी गोद में ये शहीद और गाजी परवरिश पाते हैं। सलाम उस बाप को जो अपने बुढ़ापे के सहारे को मट्टी की आगोश में सुलाकर कलमाए शुक्र अदा करते हैं। वो बहनें, बेटियां और बेटे जिनकी यतीमी उनके लिए सरमाया इफ्तखार है। वो बीवियां जिनके सुहाग मरकर भी हमेशा जिंदा हैं। कौन है ये मट्टी की मोहब्बत में अपना सब कुछ लुटाने वाले? ये हमारा फख्र है, हमारे अमन के अमीन हैं। आज पूरी कौम इनको सलाम पेश करती है। हमेशा जो रहे हाजिर, खुदा की कसम हाजिर हैं। ना आए चोट धरती को, हमारे जिस्म हाजिर हैं। पाकिस्तान हमारी जान, माल और हर रिश्ते से ज्यादा अजीज है। वतन के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियां पाकिस्तानियों के लहू में विरासत में मिलती हैं। कैप्टन सरवर से लेकर मेजर उस्मान तक, सवार मोहम्मद हुसैन से लेकर सिपाही जमील तक, ये सारे एक ही मां के बेटे हैं। इनकी तरबियत की बुनियाद ही ऐसी है कि जान रहे न रहे, सरजमीने पाकिस्तान सलामत रहे। सलाम उन माओं पर जिनकी गोद में ये शहीद और गाजी परवरिश पाते हैं। सलाम उस बाप को जो अपने बुढ़ापे के सहारे को मट्टी की आगोश में सुलाकर कलमाए शुक्र अदा करते हैं। वो बहनें, बेटियां और बेटे जिनकी यतीमी उनके लिए सरमाया इफ्तखार है। वो बीवियां जिनके सुहाग मरकर भी हमेशा जिंदा हैं। कौन है ये मट्टी की मोहब्बत में अपना सब कुछ लुटाने वाले? ये हमारा फख्र है, हमारे अमन के अमीन हैं। आज पूरी